नमस्कार, एक्सरसाइज 2.2 हमारे चलने लग रही है जी। ठीक है, और क्वेश्चन 4 हमारे कंप्लीट हो गए थे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे जी। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आज हमारा शुरू होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है जी? फाइंड करना है जी, अपने को क्या करना है, फाइंड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 1/2 ऑफ फर्स्ट पार्ट दे रखा है जी 24, और सेकंड पार्ट दे रखा है जी 46। ठीक है, अपने को फाइंड करना है। ठीक है, 1/2 ऑफ 1/2 का ऑफ 24 और 46। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जी ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ का मेन मतलब होता है जी मल्टीप्लाई, यानी कि इस ऑफ के सिंबल को हटा दो और इसकी जगह मल्टीप्लाई पुट कर दो। ठीक है, जैसे पहला पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, पहला पार्ट है जी 24, यानी कि 24 पुट कर दिया। ठीक है जी, 2 से ये कट गया यानी कि 12, तो आंसर आया जी अपना 12। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जी। ठीक है, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है जी? मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह क्या करना है अपने को? मल्टीप्लाई का सिंबल पुट करना है जी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जी। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है जी? 1/2 ऑफ 46 यानी कि मल्टीप्लाई 46। ये भी 2 से कैंसिल हो गया जी, यानी कि 23। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जी ए का। इसका बी पार्ट है जी। बी पार्ट क्या दे रखा है जी? 2/3 ऑफ, यही निकालना है जी, 2/3 ऑफ ही निकालना है। पहला पार्ट क्या है जी? 18, और सेकंड पार्ट है जी 27। ठीक है जी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 2/ फर्स्ट पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई यानी कि 18, तो 3 से कट गया 6, 2 जा 12। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया जी। सेकंड पार्ट है जी, जैसे 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 27। ठीक है जी, ये 3 से कैंसिल होगा, किसे 3 9 जा 27। ठीक है जी, और 9 2 जा 18, ये हमारा आंसर निकल के आया जी। सीधी सीधी सी बात है जी, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ 1/2 ऑफ निकालना है। ऑफ का मतलब जी मल्टीप्लायर निकालना है उनका। ठीक है, ऑफ की जगह क्या कर देना अपने को? मल्टीप्लाई का सिंबल है, पुट कर देना है जी। जैसे इसका सी पार्ट भी दे रखे हैं जी, मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन जो है उसके 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी। ए भी मैंने करवा दिया है, सी मैं अभी करवा दूंगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सी पार्ट जैसे दे रखे अपना, सी पार्ट आप खुद से कर लेना है। मैं डी पार्ट करवा देता हूँ, इसके अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं, सॉरी, तो मैं डी पार्ट करवा देता हूँ। डी पार्ट क्या है जी? 4/5 ऑफ फर्स्ट पार्ट में दे रखे हैं जी 20, और सेकंड पार्ट में दे रखे हैं जी 35। ठीक है जी, तो इसको क्या कर देना है जी? 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि 20। ठीक है जी, और काट देना है जी 500 के 20, 400 के 16। ठीक है जी, ये हमारा आंसर निकल के आया जी। ठीक है, अब वैसे ही सेकंड पार्ट है जी, 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 35, 5 7 35 7 4 28। ये हमारा आंसर निकल के आया जी। ठीक है जी, ये पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया है जी, जो आपको करवाया है। ठीक है जी, तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 2.2 के। 6 का क्वेश्चन भी हमें दे रखे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रिक्शन के अंदर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने जो करवाया है वो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन ही है ये। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है, सारा का सारा एज इट इज क्वेश्चन है। ठीक है, 0.1% भी डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको खुद से करना है, लेकिन मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ, जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 और 1/5। ठीक है, सारा का सारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है, एज इट इज, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो जहाँ तक डिफरेंस है वहाँ तक मैं करवा देता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट ये है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 और 1 26 बाई 5। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 सारा का सारा एज इट इज इसी के तरीके से हो गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को अब यहाँ से लिख के आगे सॉल्यूशन देने के लिए कह रखे हैं, बस इतना ही फर्क है, बाकी आगे वाला अपना सेम है। मल्टीप्लाई कर देना है 3 6 18, 3 2 6 और 1 7 यानी कि 78/5। अब इसको आपको किस में के अंदर लेके आना है? लोवेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एज इट इज मैंने करवा रखा है वही पार्ट है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 का एज इट इज। जैसे मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ, जैसे बी पार्ट है अपना दे रखे है जी, क्या दे रखे है?
फाइव मल्टीप्लाई सिक्स थ्री बाई फोर, ठीक है। तो फाइव मल्टीप्लाई छः चौके चौबीस और तीन सत्ताईस बटे चार, पाँच सात पैंतीस, ठीक है, तीन पाँच दो दस और तीन तेरह बटे चार, ठीक है। अब इसको किसके अंदर लेके आना है, मिक्स्ड फ्रिक्शन के अंदर लेके आना है, यानी कि लोवेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर तीन जो है और क्वेश्चन नंबर जो अभी सिक्स अपना चलने लग रहा है वो सारा का सारा सेम है, एज इट इज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूस करना है किसके, लोवेस्ट फॉर्म के अंदर, यानी कि मिक्स्ड फ्रिक्शन के अंदर लेके आपको आना है। तो क्वेश्चन नंबर छः तक हमारे एक्सरसाइज 2.2 के कम्प्लीट हो गए हैं, दो सम बाकी हैं। अगर छः तक कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।